हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे सॉल्व करें? जो इंडिया में ओवर पॉपुलेशन हो रही है, अगर हम कोविड को दोबारा वापस ले आते हैं, करप्शन जो है उसको हम इंडिया वाले कैसे सॉल्व करें? करप्शन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप किसी को पैसे खिला दो। वुमेन की सेफ्टी के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो हमारा होने वाला है एक और पॉडकास्ट। आप लोगों ने हमारे पिछले पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया, इसलिए हम लोग ले आए हैं आपके लिए एक और नया पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम लोग एक बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाने वाले हैं, जो कि हमारे इंडिया में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके सॉल्यूशंस देंगे। तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो आयुष जी, प्लीज़ आप आइए और अपनी सीट पर बैठिए। वेलकम आयुष जी, वेलकम। मेरा बच्चा है। बैठिए बैठिए। तो कैसे हैं आयुष जी आप? ठीक है जी, मेरी हालत तो काफ़ी अच्छी है, मतलब लोगों की हेल्प करते रहते हैं, लोगों की मदद मिलती रहती है। ठीक है। और सुबह सुबह मैंने राजमा चावल खाए, सुबह रोटी खाई, फिर शिकंजी भी। ठीक, तो सही हूँ। ठीक है। तो आयुष जी, मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स थे मेरे। अच्छा। नहीं, पूरे इंडिया में ही सब लोगों की प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आजकल, तो मैं वो जनरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। और उनका मैं चाहता हूँ आप अपने जितना भी आपने इतने टाइम से आपके पास नॉलेज जो है उसको पूरा इकट्ठा करके शेयर करें हमारे साथ, मतलब अपनी नॉलेज के थ्रू कि इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो मेरा वो है क्वेश्चन है आपसे, वही है कि जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, अभी AI भी आ गया है। हाँ। तो AI भी बहुत लोगों की जॉब्स खा रहा है, तो उस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे हिसाब से अगर हम कोविड को दोबारा वापस ले आए, ठीक है, हाँ, और लोगों को ना वैक्सीन दें ना उनका इलाज करें, तो अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो उन्हें जॉब से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, मेरे को लगता है कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम वैसे मासेस में लोगों को मार दें, जैसे चाइना ने करा, ऐसे कबूतर खा लिया कुछ खा के। तो मेरे हिसाब से अगर लोग ही हम मार देंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ही नहीं रहेगी, तो हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। तो मेरा एक सेकेंड क्वेश्चन है आपसे, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन का तो बहुत ही उमदा जवाब दिया, तो उसका यही मतलब आउटकम है कि अगर कोरोना वायरस वापस आ जाए और लोग जैसे चाइना ने मारे वैसे हम लोग भी मार दें, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, एक्चुअली करेक्ट। चाइना देख लीजिए, अब सेकंड क्यों आ गया पॉपुलेशन के रैंक पे, वो इसीलिए तो आया है। अच्छा, चाइना सेकंड नहीं आया है, सेकंड चाइना इंडिया से फर्स्ट आया है लोग मारने। ओ, ऐसे सोचना था हम लोगों को। ठीक है, असली खबर तो आती है ना वो दिल से, हमारे दिल से ही दुनिया तक आती है, न्यूज़ में खबरों में कुछ नहीं चलता। ठीक है, मेरा सेकंड सवाल यही था, पॉपुलेशन को लेके ही था, जो इंडिया में ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने अभी तो आपको यही बताया। क्या अनएम्प्लॉयमेंट, और मैंने आपके दो सवालों के जवाब एक ही जवाब में दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी यही तरीका है, बंदों को मार दो, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे मारो, पॉपुलेशन कम। ओके ओके ओके, तो बंदे मारना ही। और एक और चीज़ होता है, अगर आप जैसे अब कुछ पता है एक लड़का एक लड़की मिलता है उनके बीच में कुछ होता है, हाँ, तो अगर उसमें भी कोई कमी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो मतलब तब भी पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल हो सकती है। तो मैंने सुना है सिगरेट पीने से आपकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो मेरे हिसाब से इंडिया में हर बंदे को सिगरेट पीनी चाहिए, हमें स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सिगरेट पिलानी शुरू करानी चाहिए। सिगरेट पीने से हमारी स्पर्म पॉपुलेशन, जो मर्द होते हैं उनकी स्पर्म काउंट सिगरेट पीने से ख़राब हो जाती है, तो अगर हम बचपन से एक छोटे बच्चे को सिगरेट पिलाना शुरू करेंगे तो जब तक तो वो बड़ा होगा तो उसके रिप्रोडक्शन करने की क्षमता ही नहीं बचेगी, तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है आयुष जी, ये तो आपने बहुत उमदा जवाब दे दिया इस चीज़ को, तो मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल था आप लोग आपसे कि जो हमारे इंडिया में करप्शन हो रहा है, करप्शन जो हो रहा है इंडिया में, पूरे इंडिया में ही चल रहा है करप्शन, तो जैसे अभी हमारे वो भी पकड़े गए, तो वैसे ही मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? करप्शन जो है उसको हम इंडिया वाले कैसे सॉल्व करें? करप्शन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप किसी को पैसे खिला दो। आप जो जैसे इंडिया की गवर्नमेंट जो भी चला रहा है इस टाइम पर, आप उसको पैसे खिला दो और उसको बोल दो कि करप्शन बंद कर दो, क्योंकि इनके हाथ में ही है सब कुछ, तो आप उनको पैसे खिला दो तो करप्शन ही बंद कर देंगे। ईडी को पैसे खिला दो। ईडी नहीं, ईडी भी तो, ईडी ही तो सबको पकड़ रही है। ईडी कौन है एक बार मेरे को आप ईडी के बारे में बताइए, कौन है? मैंने आज तक बीडी सुना है, ईडी क्या होती है? ईडी तो है जो सबको पकड़ के जेल में डाल रही है। सबको पकड़ के जेल में डाल रही है, तो पुलिस क्या कर रही है फिर?
पुलिस तो ईडी की बात मान रही है। ईडी है कौन, बट ईडी तो ये सब दिमाग का वहम है आपके, ईडी कुछ नहीं होता। ठीक है कोई बात नहीं जी, आपने मेरे इस सवाल का भी जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। मैं अब आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, आप प्लीज इसी तरह मत देखिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे था, फोर्थ क्वेश्चन है। तो जो पॉवर्टी है इंडिया में, पॉवर्टी तो आप इसका तो मुझे लगता है आप अच्छे से सवाल का जवाब दे पाएंगे, तो पॉवर्टी के बारे में आप पॉवर्टी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इंडिया की? देखिए पॉवर्टी का सॉल्यूशन क्या है, मतलब अगर कोई, ये तो हमने अपने बायो में ही पढ़ा था, जो भी हम जो लड़के होते हैं लड़कियां होती है जो 12-13 साल की उम्र में आते हैं तो उन्हें प्यूबर्टी हिट कर जाती है। नहीं प्यूबर्टी नहीं, प्यूबर्टी की तो बात कर रहे हैं ना, प्यूबर्टी तो नेचुरल प्रोसेस है, प्यूबर्टी क्यों हटा रहे हैं आप? पॉवर्टी नहीं है, प्यूबर्टी ही बोलते हैं उसे। पॉवर्टी से आपका क्या मतलब है? पॉवर्टी मतलब गरीबी। अच्छा आप गरीबी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने का तो एक ही तरीका है, सारे अमीर हटा दो। अगर कोई अमीर होगा ही नहीं तो कोई गरीब कैसे होगा? तो अगर आपकी कॉलोनी में कोई भी अमीर बंदा आप सब मिलके उसको मार दो, अगर वो सबसे अमीर ही नहीं रहेगा तो बाकी सब गरीब कैसे होंगे? ये हिंसा नहीं हो जाएगी? आप हिंसा कहाँ होगी, आप हिंसा को हिंसा थोड़ी कहेंगे, इसे तो मारा मारी कहेंगे, इसे तो गुंडागर्दी कहेंगे। ओके हाँ, तो आप कह रहे हो अगर आप इसे आतंक फैलाना कहेंगे, तो आप कह रहे हो अगर पॉवर्टी हटानी है तो सबसे अमीर बंदा मार दो। तो अमीर लोग तो बहुत सारे हैं, उनके यहाँ पावर भी होती है सब कुछ, तो वो लोग तो ऐसे नहीं मरने वाले ना इतना ज्यादा। मैं आपको उसे सोल्यूशन दे सकता हूँ, मैं आपको राह दिखा सकता हूँ, देखो करना हमें ही है। चल करना आपको ही है, चलना उसको आप पे पड़ेगा, मैं जूते दिला सकता हूँ, उसमें भागना आपको है। मैं समझ गया, ठीक है। अब मेरा जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो हमारी दिल्ली में सेफ्टी है वुमेन को लेके, हम वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? वुमेन की सेफ्टी के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट है, जो आज मेरे हिसाब से जो बेस्ट क्रिकेट किट आती है वो प्यूमा की आती है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया की हर एक औरत को अगर आप एक प्यूमा की क्रिकेट किट दे दो, उसमें एक हेलमेट होता है, उसमें आर्म्स के गार्ड होते हैं, उसमें शिन गार्ड होता है, तो उनको काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो कोई भी उन पर कोई बॉल कोई भी हाँ बोलिए आप प्लीज़। मैं कहूँ कोई भी अगर कोई भी मुसीबत की कोई भी बॉल अगर उनकी तरफ आती है तो उनके पास पूरी प्रोटेक्शन है, वो तो छक्का मार सकती है। वाओ, वुमेन सेफ्टी के बारे में आपने हमें बताया कि उनको क्रिकेट किट दे देनी चाहिए, क्रिकेट किट सबको एक क्रिकेट मिलना चाहिए। ओके ठीक है, तो उससे वुमेन सेफ हो जाएगी अगर उनके पास कोई भी मुसीबत, जैसे कि आपने बताया मुसीबत को एक बॉल की तरह आपने अपने वर्ड्स से बताया, तो अगर एक मुसीबत की बॉल उनके पास आ रही है तो वो उस क्रिकेट किट के बैट से छक्का मार के उस मुसीबत को आउट कर सकती है। बिल्कुल सही, बाउंड्री से बाहर कर सकती है। करेक्ट, ये चीज़ सारी वुमेन अपनाएं, एक क्रिकेट किट साथ में लेके चलें, कोई भी प्रॉब्लम आए बैट निकालें। ठीक है, तो मेरा सेवन सवाल जो था आपसे वो ये था कि जो चाइल्ड लेबर हो रहा है इंडिया में उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो उसको कैसे सॉल्व करें? मेरे हिसाब से चाइल्ड लेबर का एक ही सलूशन है कि आप जितने भी लोगों को काम पे रखें उनमें से कोई 15 साल से ऊपर का होना ही नहीं चाहिए, तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी ना चाइल्ड लेबर की। जब सारी लेबर ही चाइल्ड होगी तो चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम थोड़ी होगी, तब तो एडल्ट लेबर प्रॉब्लम होगी कि एडल्ट लोगों को जॉब्स ही नहीं मिल रही, तो आप सारे बच्चों को नाम पे रखिए। मतलब जो पैदा हो रहे हैं बच्चे पैदा होते के साथ ही आप उन्हें गुड़गांव की शटल में लगाई दे दिए, उन्हें कंसेंट्रिक सारे में जॉब पे रखवाइए, जब भी कोई फोन आएगा तो वो फोन करके बोलेंगे चाहिए। नहीं तो जो और जो सेल्फ एम्प्लॉयड चाइल्ड लेबर हो रही है, जैसे कि वो जो वड़ा पाव वाला लड़का है वो कितने का ही होगा? वो तो एंटरप्रेन्योर हो गया ना, वड़ा पाव वाला ना। हाँ तो वो तो उसकी सेवंथ फेल सिक्स नाम है थर्ड फेल वड़ा पाव वाला। नहीं वो है देखो 12-13 साल का ही लड़का और उसके पापा करवा रहे हैं उससे काम, तो वो भी एक तरीके से चाइल्ड लेबर है। तो इंडिया में मेरे को लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही सबसे बढ़िया चीज़ है यार, छोटे बच्चों को का चाइल्ड लेबर का जब लॉजिक ही सारा खत्म हो जाएगा, अगर सारे बच्चे ही काम करेंगे तो हमारे पास जो मुद्दा फाइट करने के लिए आएगा वो ये आएगा कि बड़े लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही। अगर आप दूसरा मुद्दा क्रिएट कर देंगे तो एक मुद्दा तो खत्म हो जाएगा ना, बेस्ट चीज़ यही है। तो ज्ञानदेव आयुष, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये था, लास्ट नहीं कहेंगे सेकंड लास्ट कह लो, चलो, जो हमारे देश में जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है
उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जेंडर इक्वालिटी को सॉल्व करने का एक ही सबसे बड़े तरीका है कि सारे अगर लड़के अगर लड़की बन जाए तो कुछ इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। अगर सारी लड़कियाँ ही होंगी तो आपस में किस बात की इनइक्वालिटी होगी? तो अगर सारे लड़के अपने से एक्सचेंज करा के लड़कियाँ बन जाए तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू जेंडर इनइक्वालिटी। ना रहेगा जेंडर, ना होगी इनइक्वालिटी, मतलब एक ही जेंडर होगा। तो बाकी जो जेंडर है उनका क्या? आप तो सिर्फ वुमेन और मेन को जेंडर बोल रहे हैं। तो आपने पूछे इधर सवाल है। मैंने तो जेंडर इनइक्वालिटी, आपने मेरे आगे दो उंगली दी, इन्होंने मेरे आगे दो उंगली करी, इनमें से एक चूज करो। मैंने एक चूज कर ली, अगर अंगूठा क्यों नहीं चूज करा? इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, ना रहेगा जेंडर, ना होगी इनइक्वालिटी। तो जितने भी लड़के हैं अगर वो सब के सब लड़की बन जाए तो इस दुनिया में सब के सब लड़की हो जाएंगे, तो कोई भेदभाव बचेगा ही नहीं। तो उन लोगों का क्या जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं गाय हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं चेयर हूँ, मैं डॉग हूँ, उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे? वो तो फिर इट हो गए ना, हम तो ही और शी की बात कर रहे हैं, इट की बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, नेम प्लेस थिंग में अगर आप नेम प्लेस थिंग खेलोगे, एनिमल भी होता है, वो एनिमल भी कुछ लोग, एनिमल तो होगी ना, एनिमल तो रिलीज हो गई, एनिमल तो अब कौन देखेगा? नहीं नहीं, कुछ वन टाइम वॉच सी एनिमल, तो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज एन एनिमल, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आधार कार्ड जब तक तुम्हारा नहीं बनता तब तक तुम्हारी कोई इंडिया में आइडेंटिटी है ही नहीं। तो अगर किसी एनिमल का अगर आधार कार्ड नहीं है तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते, उसको हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। आपका आधार नंबर होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मेरा ये सवाल हो गया, मेरा सेकेंड लास्ट सवाल हो गया। मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि ये जो हमारा इंडिया है, इसका नाम अभी बीच में कंट्रोवर्सी चली थी कि इंडिया भारत और ये लेके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इंडिया का नाम भारत है, इंडिया नहीं है, इंडिया तो बाहर के लोग देखे गए हैं हमें? देखिए, इंडिया का नाम कुछ भी हो, इंडिया का नाम कुछ भी हो, उसको बस बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं कहना, उसके अलावा सब कुछ सही है, क्योंकि वो हमारा नाम ही नहीं है। और तो क्या ही डिबेट है इसमें, इंडिया को आप इंडिया बोलो या इंडिया बोलो, क्या दिक्कत है? ठीक है, एक सवाल और मेरा आपसे। तो अभी कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं बीच में, उनके दिमाग में चल रहा है कि जैसे अभी 2000 का नोट बंद हुआ, उससे पहले 500 के पुराने नोट बंद हुए, तो अभी कह रहे हैं कि नए वाले 500 के नोट भी बंद होने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? वो चीज़ सही है गलत है? सही है, मतलब मेरे तो ऐसे ही ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट्स करता हूँ, सारे नोट बंद कर दो, खाली यूपीआई पेमेंट्स कर दो। नहीं, आप क्या अपने बारे में सोच रहे हैं ना, बाकी जो गरीब लोग हैं बेचारे, इनके बैंक, मैं तो अपने बारे में सोचूंगा ना। नहीं नहीं, आप जनता को एक सोल्यूशन दे रहे ना। आप मुझे बताइए, मेरे को प्यास लगी है, मेरे पास पानी की बोतल पड़ी है, सामने एक बंदा है जो बेहोश हुआ है, अब मैं उसको पानी पिलाऊंगा या खुद पानी पीऊंगा? बेहोश वाले को ऑब्वियसली खुद पीऊंगा, प्यास तो मेरे को लगी है ना, वो तो बेहोश है, उसको तो पता ही नहीं उसका हुआ क्या, बट प्यास तो मुझे लग रही है। वो अगर बेहोशी में अगर मर गए तो मरेंगे, तो फिर ये तो फिर आप हाइपोथेटिकल चीजें पूछ रहे हैं, और मैं बिना प्यास पानी पिए मर गया तो? आप पानी पी लीजिए, देखो पानी पी लीजिए जी, आपको गुस्सा बहुत आता है मेरे को लगता है। तो ये जो ये मेरा नेक्स्ट सवाल यही है कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करें इंसान, एंगर इश्यूज को लेके जिनको प्रॉब्लम है वो कैसे एंगर मैनेज करें अपना? एंगर मैनेज करने का तरीका तो सबसे बेस्ट है, ये तो मैं जेन्युइन जवाब देना चाहूँगा, एंगर मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है भगवान का नाम। आप कभी भी आप MS धोनी का नाम लीजिए, आपका सारा गुस्सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ही है क्रिकेट के भगवान। नहीं, बट ये तो एंगर मैनेजमेंट और क्रिकेट तो भाई, कैप्टन कूल क्यों कहते थे उसे भाई? ओ, इसीलिए तो कहते थे, ये तो मैंने सोचा। वो रवि शास्त्री का दूसरा अवतार है, जैसे भगवान के अवतार होते हैं वैसे धोनी रवि शास्त्री का अवतार है। ओके, ये बात है। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए आप धोनी का नाम लो। धोनी को धोनी के नाम से बोलना है या कोई और नाम? धोनी धोनी धोनी। आँख बंद करके 3 बार, आँख बंद करके जेट ऑन करके। कौन सा जेट? जो बॉट सीट पे होता है उस जेट को ऑन करके धोनी धोनी। इससे आपके दो काम होंगे, आपका एंगर भी ठीक हो जाएगा और आपकी धूल भी जाएगी। मैं समझ गया आयुष जी। तो मेरे आज के सवाल आयुष जी इतने ही थे, आपको कोई और अगर कुछ सवाल पूछने मुझसे या किसी चीज़ के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है रास्ता वगैरह पूछना हो, कुछ जानने का या कुछ हो तो बस मुझे जाने दीजिए, मैं जाने दूँ आपको। तो यही था, मेरा मन तो नहीं है वैसे आयुष जी को जाने देने का, बट उनको बहुत जल्दी है जाने के लिए, इसलिए हम लोग उनको जाने देंगे आज। तो यही था हमारा आज का पॉडकास्ट, आप लोगों को कैसा लगा
ज़रूर बताना हम लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और अगर ऐसे पॉडकास्ट हमारी चैनल पे आप चाहते हैं कि और आए तो इस वीडियो को फैला दो और कमेंट में बता दो हम लोगों को, अगर अच्छा लगा तो एक और पॉडकास्ट बना देंगे भाई। और आयुष जी कैसे लगे आपको वो भी बताना कमेंट पे। अगर आयुष जी आप हमारी ऑडियंस को कुछ अगर मैसेज देना चाहेंगे, अपने लिए कुछ बोलना चाहेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सुबह टाइम पे उठो, रोज़ नहाओ, मतलब हफ्ते में 3 बार, और जब मन करे जब धोनी का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाओ, अच्छे बॉयफ्रेंड बनाओ, और बस ज़िंदगी में खुश रहो यार। कुछ नहीं है ज़िंदगी में खुशी के अलावा, नहीं रह पाते तो दुखी रहो, बस दो ही चीज़ें हैं। तो यही कह सकता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो यही था हमारा आज का पॉडकास्ट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय। मैं जाने मन हुआ क्या से क्या। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, हो जाता है।